देखिए सबसे पहले इसमें आपको एग्जाम में पूछ देता है, और उससे पहले हम आपको कुछ बताते चलते हैं। आपका सवाल है यहाँ पर कि अवतल दर्पण के उपयोग, हम आपको अभी बताने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो अवतल दर्पण के उपयोग के सबसे पहला अगर उसका उदाहरण दिया जाए, और सबसे अच्छा उदाहरण है वह है हजामती। पहला उदाहरण अगर दिया जाए हजामती, हजामती करने वाला दर्पण, या हजामती करने में, डायरेक्ट समझिए डायरेक्ट, यानी हजामती करने में, हजामती समझते हैं। हजामती करने का मतलब जो हमारे ठाकुर यानी हजाम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी सेविंग करते हैं या बाल छीलते हैं, है ना, तो उस सैलून में, देखिएगा सैलून में, कहाँ में? सैलून में लगाते हैं ये दर्पण। कहाँ लगाते हैं? सैलून में। सैलून में ये दर्पण लगा रहता है। किस लिए? किस लिए सैलून में दर्पण लगा रहता है? हजामती करने के लिए। हजामती माने बाल और दाढ़ी छिलने यानी बनाने के लिए, बाल दाढ़ी बनाने के लिए। आगे दूसरा अगर पॉइंट कहा जाए तो दूसरा पॉइंट में समझिए, दूसरा पॉइंट में वो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट में डॉक्टर साहब यहाँ उपयोग करते हैं, यहाँ इसका उपयोग कौन करते हैं? डॉक्टर, इसका जो है कि ठाकुर जी किए हैं, ठाकुर जी यानी समझ रहे हैं? और इसमें जो है डॉक्टर साहब इसका उपयोग करते हैं, डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब किस लिए उपयोग करते हैं सो समझिए। डॉक्टर साहब जो है ना नाक कान और आंख देखने में करते हैं, नाक कान और आंख देखने में, नाक कान और आंख देखने में, आंख किसका? तो मरीज का, मरीज का नाक कान आंख देखने के लिए। अब मान लेते हैं किसी मरीज के नाक से रिलेटेड किसी प्रकार का बीमारी है, तो उसको नाक में देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी नाक कान और आंख देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी मरीज के नाक कान आंख देखने के लिए डॉक्टर साहब उपयोग करते हैं। अगला आपको हम बता दें, तीसरा पॉइंट पर यदि हम बात करें तो तीसरा पॉइंट में बहुआ इसमें आएगा, बात करो, तीसरा पॉइंट में आएगा, आपको हम बता दें इसमें आ जाएगा सर्च लाइट। सर्च लाइट क्या होता है आपको हम अच्छे से समझाते हैं। सर्च लाइट, सर्च लाइट जो है ना, आप लोग मोटरसाइकिल या चार चक्का या कोई गाड़ी आप देखते हैं, तो गाड़ी में आप आगे की तरफ ध्यान दीजिएगा, यानी हेडलाइट में, हेडलाइट कौन लाइट? हेडलाइट, हेडलाइट बड़का भोंबू टाइप का जो इतना बड़ा आगे से जो लाइट लग लगता है ना, मोटरसाइकिल में या कोई भी गाड़ी में, मोटरसाइकिल के ज्यादा उदाहरण लेते हैं, मोटरसाइकिल में जो लगा हुआ रहेगा, ध्यान से देखिएगा, आगे में रहता है मोटरसाइकिल के आगे में, ऐसा ही समझाने के लिए बता रहे हैं। आगे में जो ये लाइट है, ये लाइट जो है कि यानी कौन सा लाइट होता है? लाइट नहीं, उस लाइट के ऊपर में जो दर्पण लगा रहता है उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब ये जो लाइट लगा हुआ है ना, वो मान लेते मोटरसाइकिल है, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब ये जो मोटरसाइकिल है, तो इस मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट का जो यहाँ पर शीशा आप देखते हैं ऊपर से, वह शीशा क्या चीज का लगा रहता है? अवतल दर्पण का शीशा लगा रहता है। किसका लगा रहता है? अवतल दर्पण का। तीन पॉइंट हो गया। अगला अगर हम बात करें, ये जो है कि मोटरसाइकिल में लगा रहता है, क्या चीज में? मोटर कार में या मोटर गाड़ी में लगा रहता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे हम बढ़ते हैं चौथा पॉइंट पर। चौथा पॉइंट में अगर बात किया जाए तो इसमें आ जाएगा बहुओ, ध्यान से समझिए, सौर कुकर आ जाता है। क्या आ जाता है? सौर कुकर कौन? सौर कुकर या सौर सेल भी आ सकता है, ठीक है, सौर सेल। अब अच्छे से समझिए सौर सेल और सौर कुकर कैसे होगा। देखिए
सौर्य ऊर्जा से हम लोग जनरली गांव में ए बात ना करो हम आ जाएंगे पिटाई लग जाएगा। आप लोग देखते होइएगा यानी क्या देखते होइएगा कि हम लोग जो सोलर का उपयोग करते हैं गांव में या कहीं भी घर पे घर पर जो हम सोलर का उपयोग करते हैं तो उसमें आप देखते होइएगा कि सोलर का प्लेट धूप में रख देते हैं रौदा में रख देते हैं और उसका जो बैटरीकवा है वो बैटरीकवा के तार जोड़ करके और हम बैटरीकवा में तार जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? इधर बैटरी फोन चार्ज होता रहता है किसके माध्यम से? सोलर के माध्यम से। तो उस सोलर के मान लेते हैं जो प्लेट होता है आप ध्यान से देखिएगा सोलर के प्लेट कुछ इस तरह से रहेगा ठीक है। सोलर के प्लेट कुछ इस तरह का होता है समझे। तो ये प्लेट जो होता है प्लेट के ऊपर का में जो शीशा लगा रहता है इस पूरा में क्या रहता है शीशा यानी दर्पण लगा रहता है। इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। यानी सोलर में जो ये दर्पण लगा हुआ है इस सोलर में क्या लगा हुआ है? दर्पण। आई दर्पण जो लगा है कौन दर्पण लगा है? अवतल दर्पण लगा है। कौन है? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण लगा हुआ है। ये बात आपको याद रखना। और खास कर प्रत्येक साल लगभग ये प्रश्न पूछ देता है। क्या पूछ देता है कि बताइए अवतल दर्पण के दो गो उपयोग बताइए। अक्सर सवाल पूछ देगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग टेस्ट हम भी लेंगे तो उसमें भी सवाल रहेगा। अवतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखे या नाम बताइए एकदम से रहेगा समझे। तो अवतल दर्पण के हम आपको कैगो उपयोग बता दिए? कैगो उपयोग? दो गो। तो आराम से याद रहेगा एकदम लिख देना मस्ती में।